राजधानी रांची के एक्सट्रीम बार के डीजे संदीप प्रमाणिक को शूटआउट करने वाला अभिषेक धरा गया। खबर है कि वो गया में पकड़ा गया। हत्या में जिस राइफल का इस्तेमाल किया गया है उसे पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए अभिषेक के घर से दो हथियारों के असम मेड लाइसेंस मिले हैं। ये दोनों लाइसेंस असली है या नकली, इस बिंदु पर तहकीकात जारी है। वही अभिषेक सिंह की निशानदेही पर उसकी ब्रेजा कार कचहरी चौक के पास से एक गैराज से बरामद कर ली गई। उसने पूछताछ में एक बड़ा राज खोला है। रांची पुलिस ने 15 घंटे के भीतर कांड का खुलासा कर दिया है। रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि बार से भागने के क्रम में उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। कार में अंकित नंबर फर्जी पाया गया। कार के अंदर से 4 जिंदा गोलियां मिली है। गिरफ्तार अभिषेक रांची के सेल सिटी स्थित E9/8A फ्लैट में रहता है। मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। रांची पुलिस अभिषेक की जीवन कुंडली खंगाल रही है। अभिषेक के साथ बार जाने वालों में 3 अन्य को भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे कांड में एक बैंक मैनेजर भी शामिल था। अभिषेक सिंह और रामगढ़ में रहने वाले बैंक मैनेजर प्रतीक के अलावा पुलिस ने मोहम्मद समरुद्दीन और मृत्युंजय कुमार यादव को भी कस्टडी में लिया है। दोनों रांची के रहने वाले बताए गए। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है। फुटेज अब खूब वायरल हो रहा है। राजधानी में बेखौफ हुई इस वारदात के बाद जितनी जुबा उतनी तरह की बातें हो रही है। देर रात बार के अंदर जो कुछ हुआ उसे लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। यह बार चुटिया थाना क्षेत्र के मेन रोड में कडरू मोड़ के पास है। मारा गया DG संदीप प्रमाणिक बीते 7 सालों से यहाँ काम करता था। वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया गया। सुने क्या बोले रांची के SSP चंदन कुमार सिन्हा। वो एक्सट्रीम बार पुलिस की टीम गई और सबसे बड़ी समस्या इस कांड में यह था कि घटना मध्य रात्रि में घटी थी और वहाँ पर उस समय जब पुलिस की टीम पहुंची कोई विटनेस वहाँ पर मौजूद नहीं था। हमारे पास कोई सूत्र नहीं था, उसमें कोई CCTV फुटेज अविलंब नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया और रांची पुलिस का एक एक पदाधिकारी बहुत कड़ी मेहनत करके सूत्र को तलाशा, सूत्र को तराशा और उसने पता किया कि इसमें कौन कौन लोग उसमें आए थे, किस क्यों घटना आरंभ हुई और बाउंसर के मारपीट से लेकर कड़ी को जोड़ते हुए लोग पहुंचे और अंततः पता चला कि इस घटना को कारित करने वाले का अभिषेक सिंह नाम का आदमी है। जब उसके बारे में पता किया पता चला कि वो घर से फरार है। उसके बाद पुलिस ने बहुत ही कड़ी मेहनत करके हजारीबाग पुलिस को और गया पुलिस से इनपुट शेयर किया क्योंकि उसके भागने की दिशा उधर ही थी और अल्टीमेटली चौतरफा घेराबंदी करके रांची पुलिस ने गया के अलीपुर थाने क्षेत्र से उसे पकड़ा है और पकड़ने के बाद अभी वहां से वो आएगा तब हम लोग उसे फर्दर इंफॉर्मेशन करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया इस बात का खुलासा हो गया घटना उसके द्वारा। अभिषेक सिंह ऐसे एक बिजनेसमैन है जो कोका कोला का बिजनेस करता है, एजेंसी लिए हुआ है और इसके अलावा ITC सिगरेट्स की एजेंसी लिए हुआ है। उसे गोडाउंस वगैरह हैं। जो दो गाड़ियां उसके पास है, एक ब्रेजा है और एक इग्निस है और वो दोनों गाड़ी पुलिस ने जब्त किया। ब्रेजा में रांची में ही मिल गया और इग्निस जिससे वो भाग रहा था उसको हम लोगों ने जो है हजारीबाग की चौपारण से पकड़ा है। लेकिन वो गाड़ियां बदल बदल के जा रहा था और जो एक और गाड़ी उसने स्कॉर्पियो यूज की थी वो गया में जाकर पकड़ा गया है। प्रथम दृष्टिया ये लग रहा है कि बाउंसरों के साथ मारपीट के कारण जो अभिषेक और उसके मित्रगण थे वो आक्रोशित थे काफ़ी और उन्हें लगा कि हमारे साथ बाउंसरों ने काफ़ी मारपीट की है और इससे आक्रोशित होकर नशे के हालत में संभवतः उसने ये घटना की है। लेकिन अभी ये पूरा डिस्कर्स अभी कुछ भी देना उचित नहीं। हथियार जो है जो उसके घर में सर्च किया गया, 2 लाइसेंस मिले हैं जो असम के हैं पर कई बार असम और नागालैंड के साइड में जो लाइसेंस मिलते हैं काफ़ी उसमें फर्जी भी होते हैं। तो यह फर्जी है या असली असम सरकार का बना हुआ है इसकी छानबीन अभी बाकी है। लेकिन उसने जो है रांची में आके कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था इस लाइसेंस का, क्योंकि नियम है कि अगर आप किसी लाइसेंस को लेकर अदर स्टेट जाते हैं तो आपको उसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट में। तो हमने DC ऑफिस से चेक करवाया, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी रजिस्टर में इसकी एंट्री नहीं है और हम लोगों ने चुनाव के समय में कई बार अनुरोध किया था, चेतावनी दी थी कि अगर आपके पास कोई लाइसेंसी हथियार किसी सूचना दे और जमा करें, इसका भी उसने अनुपालन नहीं किया। यह दिखलाता है कि वह कानून को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। रांची पुलिस ने 15 घंटे के अंदर उसे पकड़ा। इस पूरे कांड में 7 टीम एक साथ काम कर रही है। अभी हथियार जब्त नहीं हुआ है, उसके लिए प्रयास जारी है। सर आरोपियों में एक रामगढ़ का बैंक मैनेजर भी बताया जा रहा है, सर क्या रोल था उसका? बैंक का मैनेजर है वो बाउंड, जिस समय ये जो पूरी टीम है जो मुख्य अभी अभिषेक है वह जिन व्यक्तियों के साथ गया था उसमें वो रामगढ़ का जो ब्रांच मैनेजर है यूनियन बैंक का वह भी साथ में था, उस मारपीट में वो भी शामिल था। बाकी हत्याकांड के षड्यंत्र में या उकसावे में वो शामिल है या नहीं है जब तक अभिषेक आता नहीं है और सबसे हम लोग आमने सामने बैठा के इंट्रोगेशन नहीं करते, कुछ भी कहना उचित नहीं।